हाय फ्रेंड्स, आ चुके हैं फिर से आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर के। तो आज का वीडियो में हम आईपीएल 2024 में सीएसके का और यहाँ पे ऑप्शन स्ट्रेटजी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं बहुत पहले ही बनाने वाला था बट कोई प्रॉब्लम के कारण मैं नहीं बना पाया, मगर कोई नहीं, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ वीडियो को लेकर के। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इस तरह का जब भी कोई वीडियो आता है तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आपको वीडियो मिस ना करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सीएसके का यहाँ पे रिलीज प्लेयर लिस्ट को देखें, जो कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस टीम के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखें तो अंबती रायडू ने यहाँ पे संन्यास ले लिया है, तो डेफिनेटली वो तो अगला सीजन के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे। और उसके बाद देखें तो यहाँ पर एमएसडी पर भी बहुत बड़ा सवाल रहने वाला है कि वो यहाँ पे अगला सीजन के लिए अवेलेबल रहेंगे कि नहीं। यहाँ पर अभी देखें तो फिलहाल के लिए तो यहाँ पे 90% चांस है कि वो एमएसडी नहीं खेलते हुए हमें नजर आएंगे। जी हाँ, यहाँ पे देखें तो एक सैड रियलिटी कि यहाँ पे एमएसडी अगला सीजन के लिए हमें ना नजर आए खेलते हुए। और अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे सीएसके को एक बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखें तो इस टीम का कैप्टन जाने वाला, साथ में यहाँ पे देखें तो 6 नंबर पर बैटिंग करने वाला एक फिनिशर जाने वाला है, और यहाँ पर देखें तो आईपीएल 2024 में मिनी ऑप्शन होने वाला है। और अगर यहाँ पर देखें तो अगर एमएसडी नहीं रहते हैं और यहाँ पे अंबती रायडू तो डेफिनेटली नहीं रहने वाले हैं, तो वहां पर देखें तो इस टीम के पास यहाँ पे 15 से 17 करोड़ डेफिनेटली यहाँ पे फ्री हो जाएंगे। और उसके बाद देखें तो कुछ और भी प्लेयर को रिलीज करने वाले हैं, जैसे श्रीसंत मंगला होने वाले हैं, और उसके बाद देखने वाला कि यहाँ पे काइल जेमिसन रहने वाले हैं कि नहीं। तो यहाँ पर देखें तो डेफिनेटली इस टीम का यहाँ पे 20 से 25 करोड़ तो डेफिनेटली यहाँ से रिलीज होने वाले हैं। और अगर इतना पैसा यहाँ पे देखें अगर इस टीम के पास रहता है तो मिनी ऑप्शन में कहाँ पर स्पेंड करेंगे, किस प्लेयर को टारगेट करेंगे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है देखने में। तो डेफिनेटली ये देखें तो यहाँ पे आईपीएल 2024 का ऑप्शन यहाँ पे देखें तो सीएसके के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम पहले सीएसके अगर हम प्लेइंग 11 का अगर कुछ बनाने का ट्राई करें तो वहां पे देख सकते हैं यहाँ पे ओपनिंग में डेवन कॉनवे के साथ ऋतुराज गायकवाड़ तो डेफिनेटली रहेंगे ही, और उसके बाद देखें तो यहाँ पे 3 नंबर पर अजिंक्य रहाणे रहेंगे, जो कि यहाँ पे देखें तो आईपीएल का 2023 में तो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किए थे, मगर वहां पर 2024 में फॉर्म कैसा रहेगा वो तो एक अलग ही टॉपिक रहने वाला है। मगर यहाँ पर देखें तो फिलहाल के लिए तो 3 नंबर पर रहाणे रहेंगे। 4 नंबर पर यहाँ पर देखें तो बेन स्टोक्स कन्फर्म रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर देखें तो अगर यहाँ पे अंबती रायडू नहीं रहता तो डेफिनेटली इस टीम में एक बैट्समैन चाहिए होगा, तो वहां पर देखें तो 4 नंबर पे बेन स्टोक्स रहेंगे। 5 नंबर पे यहाँ पे शिवम दुबे डेफिनेटली रहेंगे, और उसके बाद देखें तो यहाँ पे 6 नंबर पर एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर देखें तो ब्लैंक रहने वाला इस टीम में, जो कि यहाँ पर एमएसडी हुआ करते थे, मगर अगर यहाँ पे एमएसडी नहीं रहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर 6 नंबर पर एक प्रॉपर फिनिशर चाहिए होगा इस टीम में। और यहाँ पर देखें तो इस टीम के पास पर्स बैलेंस तो बहुत ही ज्यादा रहने वाला, किसी भी प्लेयर को टारगेट कर सकता है, मगर सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग बात तो ये रहने वाला कि यहाँ पे प्लेयर अवेलेबल कौन रहने वाला है यहाँ पर ऑक्शन के लिए। उसके बाद देखें तो 7 नंबर पर रविंदर जडेजा, 8 नंबर पर दीपक चहर रहेंगे, 9 नंबर पर देखें तो यहाँ पे महेश तीक्षणा, 10 नंबर पर महेश पथिराना, और फिर देखें तो 11 नंबर पर मुकेश चौधरी या फिर तुषार देशपांडे रहने वाले हैं। तो यहाँ पर देखें तो बॉलिंग तो इस टीम का सॉलिड रहने वाला है, यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होने वाला, यहाँ पे बॉलिंग लाइनअप इसका सॉलिड है। और इस टीम को अगर यहाँ पे देखें तो रिक्वायरमेंट में सिर्फ एक इम्पैक्ट प्लेयर चाहिए होगा, जो कि यहाँ पे अच्छा खासा बैटिंग कर सके, और फिर यहाँ पर एक प्रॉपर फिनिशर चाहिए होगा। तो यहाँ पर अगर हम इस टीम का कुछ टारगेट प्लेयर की बात करें तो वहां पर सबसे बड़ा नाम रहने वाला है यहाँ पर केन विलियमसन का लेकर के, यहाँ पर केन विलियमसन को यहाँ पे एज अ कैप्टन भी ये टीम टारगेट कर सकती है, और नहीं तो फिर यहाँ पर देखें तो एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के रूप में भी इसे टारगेट कर सकते हैं इस टीम में। इसके बाद अगर यहाँ पे देखें तो दूसरा प्लेयर हो सकता है यहाँ पर सैम करन, यहाँ पर सैम करन को भी ये टीम यहाँ पे एज अ कैप्टन टारगेट कर सकते हैं, एज अ ऑलराउंडर टारगेट कर सकता है, एज अ यहाँ पे देखें तो फिनिशर टारगेट कर सकता है। और यहाँ पर देखें तो पंजाब को तो वैसे भी सैम करन का रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि यहाँ पे सैम करन यहाँ पे शुरुआती में बॉलिंग करके देते हैं, और वहाँ पे हर्षदीप सिंह उसके पास है, उसके पास सगीसो रबाडा है, तो यहाँ पर देखें तो 90% चांस है कि यहाँ पे सैम करन को रिलीज कर देंगे यहाँ पे पंजाब की टीम्स। और अगर नहीं भी रिलीज करते तो डेफिनेटली यहाँ पे सीएसके की टीम चाहेगी कि उसे ट्रेड करके अपना टीम में ले आए। इसके बाद तीसरा प्लेयर की बात करें तो वो हो सकते हैं यहाँ पर नारायण जगदीशन या फिर वेंकटेश अय्यर, यहाँ पर देखें तो दोनों प्लेयर अभी केकेआर के पास है, और ये तो यहाँ पे देखें तो रिलीज तो ये दोनों में से किसी को नहीं करेंगे, भले यहाँ पे सीएसके की टीम अगर किसी को प्लेयर के बदले यहाँ पे ट्रेड करना चाहे तो वो मे भी हो सकता है। यहाँ पर देखें तो वेंकटेश अय्यर का तो थोड़ा कम ही चांस रहने वाला है, मगर यहाँ पे नारायण जगदीशन को मे भी ये टीम टारगेट करके ले ले, और यहाँ पर देखें तो यहाँ पे फिनिशर एज अ विकेट कीपर ये टीम यहाँ पे उसे अपना प्लेइंग 11 में जगह दे दे। इसके बाद एक सबसे बड़ा बात रहने वाला इस टीम का कैप्टन कौन होगा, तो कैप्टन के बारे में तो हम अगला कुछ वीडियो में देखेंगे, मगर उसके लिए अभी तो आपको बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है और उस वीडियो का आपको वेट करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।